एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बने 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राज्य में अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। सत्ता में आने के बाद 3 कैबिनेट मीटिंग हुई और उनमें लिए गए ज्यादातर फैसलों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की छाप दिखी। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार अब दिल्ली से चल रही है? आइए समझते हैं। सत्ता पर काबिज होने के बाद शिंदे सरकार के ज्यादातर फैसलों में केंद्र सरकार का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, फिर चाहे वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट हो, फोन टैपिंग केस हो, ठाकरे परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी हो, या फिर केंद्र के प्रोजेक्ट्स को लागू करना। और तो और, देवेंद्र फडणवीस के खुद डिप्टी सीएम पद को चूज करने के पीछे भी केंद्र का ही हाथ माना जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के मुताबिक दिल्ली की हरी झंडी के बिना महाराष्ट्र में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। शिंदे और फडणवीस सिर्फ केंद्र के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता पर इनका ध्यान ही नहीं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ रवि किरण देशमुख कहते हैं, जिस तरह से सीएम बनते ही एकनाथ शिंदे ने केंद्र के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया और मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को आरए कॉलोनी शिफ्ट किया, उससे साफ जाहिर होता है कि भले ही महाराष्ट्र में सत्ता पर तो शिंदे काबिज हैं, लेकिन असली सरकार दिल्ली से ही चलाई जा रही है। वहीं कुछ का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार के फैसलों में केंद्र का इन्फ्लुएंस होना कोई गलत बात नहीं। शिवसेना प्रवक्ता दीपक केसरकर के मुताबिक, जब हम उद्धव ठाकरे के साथ थे तब उनकी बात सुनते थे, अब हम बीजेपी के साथ हैं तो केंद्र की अनुमति लेने में कोई हर्ज नहीं है, और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी सोनिया गांधी से जाकर मुलाकात की थी, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो अब क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ राजू परुलेकर के मुताबिक, ये पहली बार नहीं है जब राज्य की कोई सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही है। आमतौर पर जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो केंद्र का हस्तक्षेप स्टेट के फैसलों में भी नजर आता है। पहले जब महाराष्ट्र और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी तो ज्यादातर फैसलों पर आखिरी फैसला सोनिया गांधी का ही होता था। साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 15 विधायकों के निलंबन की पिटीशन फाइल की है, और केंद्र को डर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधायक को अयोग्य ना घोषित करते। इसी वजह से अलग अलग वजहों को आधार बनाकर मंत्रिमंडल के विस्तार को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं वजहों से शिंदे सरकार पर केंद्र की कठपुतली बनने के सवाल भी उठ रहे हैं। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।